हाय एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे so, आज की जितनी भी प्लानिंग्स थी मैंने एक रात पहले कर ली थी इनफैक्ट हम सारी हाउस वाइफें यही करती हैं क्योंकि उससे हम फिज़िकली मेंटली बड़े रिलैक्स रहते हैं जब सारी चीज़ें प्लानिंग से चलती हैं एंड सक्सेसफुल भी रहती हैं तो आज का जो टास्क है वो काफ़ी मेरा टाइम टेकिंग था तो मैंने दो दिन पहले से प्लान कर लिया था कि कैसे कैसे मैनेज करना है क्योंकि सारांश के एग्ज़ाम चल रहे हैं यहाँ फिरली तो उसके हिसाब से पूरा टाइम मैं फिलहाल वही दे रही हूँ तो अभी आज उसका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में था तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला टास्क मेरे पास तीन चार घंटे हैं इसमें मैं सारी चीज़ें कर लूँ तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं एंड लंच की प्रिपरेशन भी मैंने नाइन ओ से पहले ही कर ली थी ताकि मैं नाइन टू ट्वेल्व तो में तीन घंटे में ये वाला टास्क मैं ख़त्म कर पाऊँ So, अभी मेरे पास मॉर्निंग के थ्री टू फोर आवर्स हैं उसके बाद साँच आ जाएगा फिर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन तो इस शॉर्ट टाइम में मुझे अपना ये टास्क कंप्लीट करना है क्योंकि आप देख सकते हैं जो सेंटर वाला बर्नर है एक्चुअली सब कुछ इसी से ही स्टार्ट हुआ ये इसके स्क्रू कुछ इस तरीके से निकल गए कि शायद मुझे पता नहीं चला और ये अपने आप ही एक साइड से निकल गया तो मैंने सोचा कि चलो निकल गया है तो सब एक साथ ही कर देते हैं तो इसके जितनी भी पार्ट्स हैं उन सबको मैं सेपरेट कर लूँगी और मेरा जो गैस स्ट्रॉप है ये थ्री बर्नर के साथ ग्लास टॉप है मे बी ग्लास टॉप की वजह से आप में से काफ़ी लोग बहुत ही सोचते होंगे कि शायद उतना डीप क्लीनिंग से कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा बहुत ईजी है एंड बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी कुछ ऐसे ऐसे टूल्स यूज़ किए हैं जो बहुत ईजीली अवेलेबल हैं जिससे कि जितनी भी रेगुलर यूज़ की वजह से इसमें हार्डनेस और सारी चीज़ें हो गई हैं वो सब भी रिमूव हो जाएगा सो so ये जो रबर पोशन है जो कि प्रोटेक्ट करता है ग्लास को तो ये भी आपको मिल जाएगा बट फिलहाल इसका एक ही साइड से है तो मैं इसको फ़िलहाल फिर से इसी में ही यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा अच्छे से अब हमें सारी चीज़ों को सॉफ्ट करना है जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिक्विड बनाया है जिसमें विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिलाया है तो इस तरीके से जो ग्लास है उसको बहुत इजीली आप हटा सकते हैं क्योंकि ये ग्लास के किसी पॉइंट से स्क्रू से नहीं जुड़ा होता है तो आप इजीली इसको हटा सकते हैं ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि इसको हटाएंगे तो लगाना मुश्किल है ऐसा नहीं है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान देनी है आपको ये जो रबर दिख रही है ये है वो पोर्शन जो ग्लास को प्रोटेक्ट करके रखता है इसको आपको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है कहने का मतलब कि इसको निकालने की कोशिश ना करें सफ़ाई के उसमें बहुत हल्के हाथ से इसको टच करके क्लीन करें क्योंकि ये किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ से फिक्स हो रखा होता है तो जब तक वो सॉफ़्ट हो रहा है तब तक मैं इन पार्ट्स को भी डिप कर लूँगी एक बड़े से बकेट ली है जिसमें विनेगर एंड बेकिंग सोडा थोड़ा सा गर्म पानी के साथ मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है अब क्योंकि ये इतने टाइम का है तो इतना हार्ड है कि इतने शॉर्ट टाइम में ये चीज़ नहीं हो पाएगी बट इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने यूज़ की है एंड वो बहुत असरदार है इन सबको क्लीन करने के लिए मैं स्पून का बॉटम पोर्शन यूज़ कर रही हूँ नाइफ वगैरह करेंगे तो स्क्रैच लगने का डर है अब आप लिक्विड से सॉफ़्ट कर लेंगे तो इतनी मेहनत इसमें नहीं लगेगी यहाँ पे एक पुराना मैं टूथब्रश ले रही हूँ जिसके ब्रजल्स काफ़ी सॉफ़्ट हैं तो इन सब से ये बहुत इजीली जो कि घर पे ही अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे ये सब क्लीन हो जाएगा अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें निकली हैं तो यहाँ पे पहले मैं एक वेट कपड़े से अच्छे से जितने भी पार्टिकल्स निकले हों उन सबको रिमूव करूँगी एंड अगर इस तरीके का आपके पास बॉटल है ना ये आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं बिल्कुल पॉइंट के साथ और इस तरीके से अलग अलग तरीक़े से पानी इसमें से निकलता है तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए इसको क्लीन करना काफ़ी ईजी है क्योंकि यहाँ से हम बार बार नहीं निकाल सकते इसको तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जितने भी पुराने फैब्रिक थे जो कि हम यूज़ नहीं करते उन सबको मैंने फिलहाल यूज़ किया ताकि मेरा और काम ना बढ़े यहाँ पे कि पानी बाहर गिर जाए या कहीं और चला जाए अब इसका एक साइड क्लीन हो चुका है आप इसको पूरा भी टर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डैमेज होने वाला कोई ऐसा पोर्शन नहीं है सो इसका एक पोर्शन बिल्कुल क्लीन हो चुका है गैस स्टोव का अब यहाँ कॉर्नर को मैं पहले ही इसको सब क्लीन कर दूंगी ताकि मेरा काम सब जगह से ना बिखरे तो सेम वही सॉल्यूशन मैंने लिया है विनेगर एक ऐसा है कि आप रेगुलर किचन क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं इससे इंसेक्ट सब कुछ जितने भी हैं वो सब भी दूर रहते हैं एंड ये जो ग्लास टॉप था मैंने इसको ऑलरेडी पहले ही सॉफ्ट करने के लिए रख दिया था सेम उसी सॉल्यूशन से तो उससे मेरा काफ़ी काम इजी हो गया अब जब आप इसको इस तरीके से क्लीन करें तो सॉफ्ट ब्रस वाले ब्रश से ही करें क्योंकि अगर ये शीट निकल गई तो आपका ग्लास का टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं हीट की वजह से तो बस इसको बहुत ईजीली है आप सिंपल हल्के हाथ से करेंगे और ये हो जाएगा सो so, हमारे दोनों चीज़ें क्लीन हो गई बेस एंड ग्लास स्टोव भी अब बारी आती है इसकी जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है शायद आप सोचेंगे ऐसा बट नहीं है अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा और बहुत मेहनत एंड बॉडी प्रेशर भी बहुत ही कम लगेगा तो यहाँ पे आपको मार्केट में भी बहुत इजीली मिल जाता है ऐसे बहुत तरीके के हैं बट बिलीव में ये भी काम करता है ऐसा नहीं कि ये इसमें काम नहीं करता है आपको सिर्फ एक अच्छा सा इसको कोटिंग कर देनी है नीचे कपड़ा या कुछ ज़रूर लगा लें क्योंकि हापिक है थोड़ा एसिड होता है वे भी स्पॉट रह जाए तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है एंड मैं इन दो पार्ट्स को सेपरेट नहीं कर पा रही थी मैंने ट्राई किया बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था तो मैंने सोचा कि पहले इस लिक्विड को मैं पूरा स्प्रेड करके छोड़ देती हूँ ताकि इसको ये सॉफ़्ट कर दे एंड आप देखिए किस तरीके से बिना एक सॉफ्ट ब्रसिंग वाले उससे भी आप कितने अच्छे से कर सकते हैं आप कलर से पहचान सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ही निकल रहा है तो यहाँ पे मैंने इन सारे पार्ट्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया प्लास और इस पेचकस की हेल्प से जो कि काफ़ी इजी हो गया था सो so, जितने भी नट बोल्ट्स यहाँ पे निकले हैं उनको भी आप इस तरीके से डिप कर लें सेम उसी लिक्विड में ताकि जो है ये भी काफ़ी क्लीन हो जाए अब बात आती है इसकी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर इस तरीके से निकल गया है तो आप इसको बहुत अच्छे से फिक्स कर सकते हैं आपके पास बस ये फेवी बॉन्ड होना चाहिए जो कि हार्डवेयर स्टेशनरी शॉप सब में मिल जाता है ट्वेंटी रुपीज़ समथिंग का होता है तो बस इसको इस तरीके से लगाऊंगी और थोड़ा सा वेट रख के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी हर सरफेस में काम करता है बट कोशिश करिएगा जब भी आप रेगुलर यूज़ गैस स्टोव का करें तो इस पोर्शन को ज़्यादा ना छेड़ें इस रबर पोर्शन को जो कि ग्लास को प्रोटेक्ट करके रखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारे पार्ट बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं एंड डीप क्लीनिंग में इस तरीके से 90 परसेंट क्लीन हो जाना काफ़ी सेटिस्फेक्शन का बात है मेरे लिए अब हर दो तीन महीने में अगर इतनी डीप क्लीनिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हर एक महीने में या दो महीने में तो इस तरीके से मैंने ये सारा कर दिया एंड बिलीव में बहुत ईजी है ग्लास टॉप को लेके मे भी आप लोग सोचे कि क्या करें करूँ नहीं करूँ सर्विस दें तो घर पे भी ये किया जा सकता है अब सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको भी बहुत अच्छे से एडजस्ट किया सारे पार्ट्स लगाए एंड सबको असम्बल किया एंड मेरा एक ब्रांड न्यू जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया यहाँ पे जब भी आप ये वाला टॉप आपके गैस स्टोव में लगाएं तो ध्यान दीजिएगा कि स्क्रूज़ वाला पोर्शन कहाँ है कहाँ स्क्रू लगाने हैं क्योंकि एक में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था जब मैंने गलत फ़िक्स कर दिया था फिर जब मैंने इस टॉप पे रखा तो वो कुछ और ही स्क्रू वाला सेक्शन चला गया तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है एंड बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैं असम्बल कर दूँगी एंड ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है सो so, ये था आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड साज के एग्जाम ओवर होते ही मैं थोड़ा से और कम कम गैप में आऊँगी तो तब तक के लिए बाय टेक केयर अपना बहुत ख्याल रखिए